जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने गाड़ी अपग्रेड की है, सो या दिस इज़ अवर ब्यूटी टाटा नेक्सॉन XZA प्लस वेरियंट है। और अभी हम लोग इसको सिरामिक कोटिंग करवाने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें मैंने क्या क्या एसेसरीज लगवाई है। बाहर से आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखेगा, बस ये डोर एजेस दिखेंगे और रूफ रेल्स इसमें पहले से ही लगे हुए आते हैं, सो वो तो इतना कुछ हाईलाइट करने की चीज़ नहीं है। देन या बेसिक बाहर से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करवाया, जो है वही है मोस्टली। सब चीज़ें इसमें फैक्ट्री फिटेड या फिर कंपनी फिटेड ही आती हैं। इंटरनली अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो सीट कवर, ये कुछ इस टाइप के सीट कवर हैं, कंपनी से लगवाएं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बाहर से करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सेम मैटिंग भी मैंने वहीं से ली है, 7D मैटिंग, और आर्म रेस्ट तो ये सब वहीं से लगा हुआ तो है। फ्रंट में दिखाते हैं आपको। ये कुछ ऐसा है, एक DIY से मैंने क्या बोल सकते बैक कुशन लिया था, ये पहले से ही है, मेरी पहली गाड़ी का ही है, सो इट्स नथिंग न्यू। ये रैप करवाया है, ये आप देख सकते हैं, और ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर, इस लुक का प्रीमियम का साउंड सिस्टम, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट जो भी है सब यही है। और नीचे मड फ्लैप्स हैं, ये मैंने एक शोरूम से लिए थे। और हाँ, ये जो नेक्सॉन का आपको स्कफ प्लेट दिख रही है, स्कफ लाइट्स या जो भी बोलते हैं, जो एंट्री पे लाइट करती है वो। उसके अलावा यहाँ पे सामने फ्रंट बम्पर प्रोटेक्टर, और पीछे भी वैसे ही। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा ये है, और अभी अगर आप देखेंगे सो इसका पेंट अभी कुछ इस टाइप का लग रहा है, और देखते हैं अभी ये कैसा होगा सिरामिक कोटिंग के बाद। सो अभी वहीं जा रहे हैं गाड़ी डालने के लिए, सो मे बी आफ्टर 2-3 डेज वी विल गेट द डिलीवरी। सो 9H का कोटिंग है, इट्स अ नियर बाय शॉप नेम्ड एज ड्रिफ्ट ऑटो, सो देखते हैं वहाँ पे भी आपको। सो अगर आप टाटा का पेंट देखेंगे ना तो थोड़ा रफ है, अभी तो इसमें धूल लगी है, बट अगर मैं इसमें आपको दिखाऊंगा तो इसमें थोड़े आपको स्वॉल मार्क्स भी दिखेंगे, जो कि ये जो कंपनी में लोग वॉश करते हैं या शोरूम पे वॉश करते हैं उसकी वजह से भी काफ़ी स्वॉल मार्क्स आ जाते हैं। सो बेटर टू प्रोटेक्ट योर कार फ्रॉम Day 1। सो Day 1 तो नहीं, 2 हफ्ते हो गए, बट स्टिल बेटर लेट देन नेवर, सो आई एम डूइंग दैट। आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं, क्या कॉस्टिंग हुई सब चीज़ों की एंड ऑल आगे जाके। और अगर आपको अच्छा लगता है ऑटोमेटिक वेरिएंट के बारे में खास तौर पे जानने के लिए तो बताइएगा इस कमेंट सेक्शन में। वी विल हैव मोर वीडियोज एज वेल गोइंग फॉरवर्ड। सो यार, दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग एज ऑफ नाउ, देखते हैं आगे कैसी लगती है। ड्रिफ्ट ऑटो करके शॉप है हिंजवड़ी Phase 1 लक्ष्मी चौक के पास, हाउस ऑफ कार करके एक प्री ओन्ड शोरूम है, जैसा कि आप देख सकते हैं उसके जस्ट साइड में या बिसाइड है ये शॉप। छोटी सी शॉप है बट उनका मोस्टली पीछे उनका सेटअप है जहाँ पे वो वॉशिंग एंड ऑल करते हैं, यहाँ पे ये लोग डिटेलिंग करते हैं। सो मैंने 9H हार्डनेस का नैनो सिरामिक कोटिंग किया, 12,000 करीब उसका कॉस्ट आया। आप भी देख सकते हैं आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ।